दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजेश है। आप देख रहे हैं इस वक्त मुझे भीलवाड़ा में, और हमीरगढ़ एक जगह एक गांव है, और ये मेरे जो पीछे है ना, ये एक गढ़ है, पुरातत्व से जुड़ी हुई। यहाँ पर काफ़ी सारी मतलब बाउंड्रीज हैं। हम देखेंगे अंदर चल करके कि क्या मतलब है, एक बार देख रहे हैं। कुछ कर देना है? नहीं नहीं, इधर देखिए, ये मस्जिद है, यहाँ पर बना रखी है, तो यहाँ मतलब नमाज वगैरह भी अदा करते हैं। आगे चलते पुरानी चीजों का महत्व ही कुछ अलग है, और काफी बड़ी बड़ी दीवारें हैं और काफी बड़े बड़े किले और दरबार है। एक छोटा सा गांव है, पहाड़ के ऊपर ये बसा हुआ है, पहाड़ के ऊपर शानदार बरसात के मौसम में आलीशान जगह है। बरसात के मौसम में बिल्कुल अच्छी नेट, ये मान लो कि यहाँ का क्लाइमेट भी अलग है और नेचुरलिटी बहुत शानदार। इधर ले, इधर ये देखिए, कभी कोई ना कोई तो रहता होगा यहाँ पर, जिस तरीके से ये बना हुआ है। आज बस यह उजड़ चुके हैं, आज यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन शायद हो सकता है उस जमाने में यहाँ पर काफी आबादी के अंदर लोग यहाँ रहते होंगे। ये तो छोटा गेट, छोटा गेट, ये इधर की तरफ मैं दिखा दूं आपको। अब इधर एक लॉक लगा हुआ है, अब इसमें ये लॉक लगा हुआ है, शायद हो सकता है ऑथराइज हो, किसी के पास हो यहाँ, तो उन्होंने लॉक लगा रखा है। और भी देखते हैं, देखिए इधर शानदार नजारा है, जबरदस्त नजारा है। बड़ा ही जबरदस्त है, काफी दूर दूर तक ये शो आउट हो रहा है, देख रहे हैं हम एक बार। ये तो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, लॉक लगा रखा है, अगर हमें अगर यहाँ से कुछ मिलता है, जगह मिलती है, तो जरूर अंदर चलेंगे। अंदर है क्या? अंदर भूत भूत नहीं मिल रहा है, खुल जाएगा, खुल जाएगा, खुल जाएगा, नहीं खुल रहा ना, अंदर लगा ये अंदर से लोग हैं, ये भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई एडवेंचर हो रहा है यहाँ पर, तो डरावना है, थोड़ा सा डरावना जरूर है, और जैसे पहले की टाइम में होते थे उसी अंडरग्राउंड के रास्ते है, तो सही डरावना थोड़ा। ये अंडरग्राउंड का रास्ता है पीछे में। ये तो वही कटीली जो झाड़ियां हैं, और शायद यहाँ से कुछ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और अगर इधर बाहर आ गए क्या? तो दोस्तों हमने तो चक्कर लगा दिए, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता हमें नहीं मिला।
लेकिन है बहुत अच्छी जगह है, शानदार है, ज़बरदस्त है, लेकिन ये है कि भाई अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। यहाँ दरगाह है, देखिए हम वापस उसी जगह आ गए हैं क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं मिला अंदर जाने का। जैसा कि मैंने बताया था अभी एक लॉक लगा हुआ था